लाइट करो, लाइट करो, लाइट करो, एक मिनट रुक जाओ। नहीं था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर कौन? अरे चलो ना इधर। राजस्थान के बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। सफाई अभियान में जुटी कलेक्टर टीना डाबी ने फिल्मी स्टाइल में अचानक शहर के एक स्पा सेंटर पर छापा मार दिया। इस दौरान वहां से चार लड़कियों और दो लड़कों को पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। डाबी के स्पा सेंटर पहुंचते ही भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर के चौहटन चौराहे से चामुंडा चौराहे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे 68 के किनारे जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी चामुंडा चौराहे के पास पहुंचे, तभी एक स्पा सेंटर के संचालक ने हड़बड़ा कर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर कलेक्टर को शक हुआ तो अधिकारियों के साथ वो स्पा सेंटर पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। काफी देर तक जब संचालक ने दरवाजा नहीं खोला तो गेट तोड़कर अधिकारी अंदर पहुंचे। इसके बाद स्पा सेंटर में लड़के लड़कियां इधर उधर भागने लगे। लड़कियों ने अपना चेहरा तौलिए से ढक लिया तो एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। स्पा सेंटर के अलग अलग कमरों से 6 लड़के लड़कियां पकड़े गए, पुलिस इन्हें कोतवाली ले गई। चामुंडा चौराहे से जो सदर थाने जाने वाली रोड है, इस पे अभी सफाई अभियान चल रहा था कलेक्टर मैडम के निर्देशन में, और हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आए थे। मीनवाइल यहाँ पर एक जगह पर जो है वो 4 महिलाएं और 2 पुरुष जो है वो 6 महिलाएं, उन्होंने खुद को अंदर बंद कर दिया था। फिर SDM साहब ने और उसका गेट जो है उसका कांच तोड़ के और अंदर प्रवेश किया, तो वो लोग अंदर मिले, उनको वेरीफाई करने के लिए कोतवाली थाने भेजा गया है। उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है, कार्रवाई की जा रही है। तो करती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। और जो भी ऐसी कंप्लेंट जब भी आती है या हमारे किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आता है, और हमारे श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में बेहद गंभीर है, और उन्होंने पूर्व में भी विगत दिनों में काफ़ी कार्रवाइयाँ करवाई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पाबंद भी करवाया है और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर शहर में पिछले लंबे समय से पुलिस की मिली भगत से स्पा की आड़ में वैश्यावृत्ति जैसी अनैतिक गतिविधियों का खुलेआम संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर बाड़मेर शहरवासियों ने कई बार प्रदर्शन कर स्पा सेंटर को बंद करवाने की मांग की। लेकिन पुलिस की मेहरबानी से शहर भर में खुलेआम स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। इन स्पा सेंटर की आड़ में कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो चुके हैं। स्पा सेंटर चलाने के लिए ये लोग पहले लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस जारी करवाते हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से लड़कियां बुलाकर स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा चलाते हैं। कई बार पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत इन अवैध स्पा सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की है, लेकिन निरंतर कार्रवाई के अभाव में जमानत पर छूटने के बाद ये लोग फिर से यही काम शुरू करते हैं। आपको बता दें, राजस्थान की सबसे चर्चित IAS टीना डाबी पिछले कुछ दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इस वक्त उनकी पोस्टिंग बाड़मेर जिले में है। यहाँ वे सफाई अभियान के तहत कभी सड़कों पर झाड़ू लगवाती हैं तो कभी अस्पताल के इंस्पेक्शन में लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को फटकारती हुई नजर आती हैं। ये पूरा एक्शन ऑन कैमरा होता है, जिसके वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। बुधवार को भी बाड़मेर DM ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे प्रदेश में हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।